हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NTPC CBT 2 का जो एग्ज़ाम है, सभी शिफ्ट के ख़त्म हो चुके हैं और कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं अपनी आंसर की का, और रिजल्ट में कट ऑफ क्या होएगी, हाई जाएगी कम जाएगी, तो सभी के मन में ये एक सवाल बहुत बड़ा बना हुआ है। टाइपिंग के लिए टाइपिंग करें या ना करें, और टाइपिंग के लिए स्पीड कितनी मांगी गई है, और जो कट ऑफ जाने वाली है फाइनल कट ऑफ, वो हाई तो नहीं जाएगी, ये सभी कैंडिडेट के मन में एक बहुत बड़ा डर है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको यही चीज़ समझाने वाला हूँ कि आपको इन सब चीज़ों से कैसे निपटना है, और फाइनल तक अपनी जो दौड़ है, आपकी जो तैयारी है, उसको कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए तो NTPC के CBT 2 के एग्जाम हो चुके हैं, और आप सभी ने एग्जाम दिए हैं, मैंने भी एग्जाम दिया है, तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि एग्जाम जो था वो काफी लेंथी था, चाहे वो लेवल 2 की बात हो, लेवल 3 की बात हो, लेवल 4 की बात हो, या फिर लेवल 6 की बात हो, एग्जाम जो आया है वो काफी लेंथी और सवाल जो है काफी बड़े और कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी। प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो NTPC ने कंडक्ट कराए हैं उसके अंदर इतनी सारी कैलकुलेशन और इतने जो बड़े सवाल हैं वो नहीं थे, लेकिन इस बार जो है PCS ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो उसी वजह से जो है एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा उठ गया है। उसके अंदर हमको बैंकिंग के जो सवाल होते हैं वो देखने के लिए मिले, इनइक्विलिटी देखने के लिए मिली, और जो साइन अल्फाबेट और नंबर की सीरीज होती है वो भी हमें देखने के लिए मिली। सॉरी, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं, और आपके जो यार दोस्त होंगे एक दो, उन्होंने अटेम्प्ट कितने किए हैं। तो मैक्सिमम जो अटेम्प्ट गए हैं वो आपके 85 से 95 तक ही आपके जो है मैक्सिमम अटेम्प्ट रहे हैं, बाकी एक दो कैंडिडेटों ने 100 से ऊपर भी किए, और किसी किसी ने तो मेरी शिफ्ट के अंदर 120 के 120 भी किए थे। अब उन्होंने कैसे किए हैं वो जाने, लेकिन जो मैंने एग्जाम देने के बाद कुछ कैंडिडेट से बात की थी अपने सेंटर पर ही, तो उन्होंने अपने जो अटेम्प्ट थे वो 85 से 95 के बीच में ही बताए थे, और 95 भी नहीं तो 80 से 90 के बीच में ही उन्होंने अपने अटेम्प्ट बताए थे। तो इससे आप एक बात तो आपको साफ हो जाती है कि 80 to 90 तो कट ऑफ जा ही नहीं सकती, क्योंकि कट ऑफ हमेशा जो लगती है वो एवरेज मार्क्स पर लगती है, और एवरेज जो अटेम्प्ट है वो 80 से 90 है, तो यानी कि 80 से 90 किसी की 100% एक्यूरेसी, आप भी जानते हैं एग्जाम में 100% एक्यूरेसी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का ही सेक्शन है तो आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जब GK का पोर्शन भी ऐड हो जाता है तो 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही GK का लेवल जो आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप था, यानी कि ऐसी GK किसी भी एग्जाम में इससे पहले देखी नहीं गई है। एग्जाम में GK के जो सवाल थे वो सिंपल नहीं पूछे गए, जैसे कि सबको पता है कि सेनाई जो है बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं वो उसके अंदर प्रसिद्ध थे, लेकिन सवाल को किस तरीके से पूछा गया है, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो लाल किले पर सेनाई किसने बजाई थी, तो कैंडिडेट को ये सवाल आते हुए भी छोड़ना पड़ जाता है। तो इस तरीके से जो NTPC है कैंडिडेट्स के माइंड से बहुत ज़्यादा खेला है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम में जो सवाल मैथ के भी दिए हैं काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव दिए हैं, जो आपने भी देखा होगा CISI के जो सवाल थे वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, बड़े थे, यानी कि आपको उसके अंदर कैलकुलेशन करनी थी। जिन कैंडिडेट के पास स्पीड नहीं थी, यानी कि वो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, तो वो लोग पूरा पेपर 120 के 120 सवाल देख भी नहीं पाए हैं,
तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। और लेवल सिक्स के अंदर जैसे कि आपके आंसर की के बाद कट ऑफ आई थी तो आपको दिख भी गया होगा कि कट ऑफ क्या रही है। तो उसी प्रकार का जो था एनटीपीसी के बाकी के लेवल का, लेवल टू का, लेवल थ्री का और लेवल फाइव का जो है एग्जाम सेम ही था। ये नहीं कहा जा सकता कि लेवल सिक्स का बहुत टफ था और जो बचे हुए लेवल का बाद में हुआ है उनका आसान था, लेवल सेम ही था। तो कट ऑफ का अंदाजा आपको यहाँ से लग गया है। अब मैं बात करता हूँ कि कैंडिडेट्स के मन में डर था कि, और अब भी है कि जो कट ऑफ है आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाएगी, तो हाई आपकी जो कट ऑफ है इस बार नहीं जा सकती क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अगर प्री से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप किया हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं टाइपिंग के बारे में, तो टाइपिंग के लिए आप अगर हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो मंगल फॉन्ट और कृति देव पर आपकी टाइपिंग होगी, और उसके अंदर जो कीबोर्ड होगा आपका, उसके अंदर जो आपका कीबोर्ड होगा वो रिविंगटन कीबोर्ड होगा, यानी कि उस पर हिंदी के अल्फाबेट भी आपके लिखे हुए होंगे। और हिंदी में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 30 पर मिनट वर्ड आपकी जो है स्पीड मांगी गई है, यानी कि 10 मिनट का आपका वो टेस्ट होगा। आपको उसके अंदर जो की है 1500 की दबानी है और 5% आपकी जो मिस्टेक्स हैं यानी कि एरर्स हैं वो माफ किए जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा 10 गुना करके आपकी स्पीड में से वो घटाया जाएगा, तो आप एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलिएगा। बैक स्पेस इसके अंदर काम नहीं करेगा, अगर आप बैक स्पेस के साथ टाइपिंग करते हैं तो बैक स्पेस की आदत को आपको छोड़ना होगा। अब हम बात करते हैं कि जो एग्जाम आपका हो चुका है, एनटीपीसी का एग्जाम आपका हो चुका है, उसके बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो टाइपिंग के बाद आएगी, यानी कि अब एक आपकी कट ऑफ आएगी जिसके अंदर 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा टाइपिंग के लिए। फिर टाइपिंग के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी जिसके अंदर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसके अंदर डीवी के अंदर जैसे कि नोटिस जो है पहले ही आ चुका है, 1:1 के अंदर जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी होगी उतनी ही वैकेंसी पर कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। आशा करता हूँ कि मैंने आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे, और अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपको इंक्वायरी करनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।